हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज एक देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा पार्सल मेरे पास आया हुआ है और ये पूरा का पूरा जो पाइप है ये लगभग जो है 6.5 फीट का है, क्योंकि मेरी हाइट ही जो है लगभग लगभग जो है 6 फीट में है और मुझसे भी लंबा ये पाइप है और पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पौधे की लंबाई है जिसमें कि ये आया हुआ है। तो इस पाइप में देखते हैं कि कौन कौन से पौधे भेजे हैं और किस नर्सरी ने भेजा है। तो इसको ओपन करते हैं और अगर आप भी जो है इस नर्सरी से पौधे लेना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख ले और वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें आपके पैसों की पूरी सेफ्टी रहेगी अगर आप यहाँ से पौधे को मंगाते हैं तब। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज ये फर्स्ट टाइम इस नर्सरी से मेरे पास ये पौधा आया है और इस नर्सरी का जो नाम है यहाँ लिखा भी हुआ है ग्रीन ग्लो नर्सरी। तो यहाँ से ये जो है आया हुआ है फर्स्ट टाइम और अब तक जो है जितने भी पौधे मेरे पास आए हैं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा पौधा है इन्होंने मेरे पास भेजा है। तो अब खोलने के बाद ही जो है मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें पौधे हैं। तो इसके पैक को हम ओपन करते हैं और ओपन करने से पहले आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से पैकिंग की गई है। देखिए, पौधा बिल्कुल यहाँ तक नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऊपर तक यहाँ से, और पूरी तरह से इसका मुंह खुला हुआ है ताकि इसके अंदर हवा अच्छे से जा सके और पौधा खराब ना हो। और इसके अलावा जो है मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ, देखिए पूरा जो है होल किया गया है यहाँ पर, पूरे नीचे तक इधर से होल है और इस तरफ को भी एक आध होल जो है इस तरफ से भी बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है डबल जो है होल बना दिए गए हैं दोनों साइड से ताकि पूरी तरह से हवा इसमें आ जा सके और पौधे जो है खराब ना हो। और ये जो आया हुआ है ये वेस्ट बंगाल से ही मेरे पास आया हुआ है जैसा कि हर बार आता है। तो जितने भी नर्सरीज है जिसके वीडियोस आप देखते हैं हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन प्लांट के और ऑनलाइन फ्रूट प्लांट के, तो वो सब के सब जो है कोलकाता से ही है, क्योंकि वही लोग जो है ऑनलाइन जो व्यवसाय है वो करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, चलिए इसको खोलते हैं। और खोलने के लिए ब्लेड का मैं यूज़ करूँगा, बहुत अच्छे से रैप किया गया है, देखिए नीचे से पूरा ऊपर तक टेप से रैप किया गया ताकि ये अगर कहीं बारिश में भी हल्का फुल्का भीगे तो इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसको खोल लेते हैं हम। नीचे का पोर्शन खुल चुका है लगभग, देखते हैं कहीं से कोई फंसा हुआ तो नहीं है किसी जगह से, पूरी तरह से टाइट है ये। इसको और थोड़ा सा खोल देते हैं हम पूरा। देखिए दोस्तों, अब ये खुल चुका है और पाइप को हम धीरे धीरे निकाल देंगे। यहाँ से थोड़ा सा फंस रहा है और इसको पूरी तरह से हम काट देते हैं पहले। बीच बीच में कुछ गत्ते भी लगाए गए हैं इसमें। देखिए दोस्तों कितना लंबा है और अभी जो है लगभग 7 दिनों से ये पैक के अंदर है। कल मेरे पास ये पहुंचा था शाम को, लेकिन जिसमें पहुंचा था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी जिस वजह से मैं इसका वीडियो बना नहीं सका। तो आज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से टैग लगा हुआ है और देखिए पौधे कितने भेजे हैं। एक जो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक है, उसके बाद इधर दो पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और बीच में जो है कुछ 3 प्लांट और है, तो कुल मिलाकर के 5 प्लांट इसमें भेजे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम खोल लेते हैं, इसके जो भी यहाँ पर डोरी है उसको काट देते हैं ब्लेड से। पाइप के अंदर हल्का फुल्का तो डैमेज होता है पौधा, लेकिन कुछ दिन में फिर से ये रिकवर कर जाता है। कुछ पत्ते जो है सूखे हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन फिर से जो है ये रिकवर भी हो जाएंगे। ऊपर की डोरी तो अब खुल चुकी है और बिल्कुल अलग तरह का आम इस बार पहली बार आया है मेरे पास, जैसा यहाँ पर टैग दिखाई दे रहा है। ये कस्तूरी मैंगो ग्रीन ग्रो नर्सरी से ये जो आया हुआ है और बिल्कुल ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह का आम आएगा। और
इसके जो पत्ते हैं वो भी देखिए बिल्कुल ब्लैक तरह के इसके पत्ते भी हैं, तो ओरिजिनलिटी यहाँ पर बिल्कुल रहती है, श्योरिटी रहती है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने ब्लैक तरीके के आपको नज़र आएंगे, तो ये खराब पत्ते नहीं है, बल्कि ये जो है इसका कलर ही ब्लैक है, क्योंकि ये कस्तूरी मैंगो है। तो इसको पूरी तरह से हम खोल लेते हैं पहले। नीचे से अभी भी पैकिंग है ताकि पौधे खराब ना हो, इस वजह से इतनी अच्छी पैकिंग की जाती है। देखिए यहाँ से और एक गत्ता लगा हुआ है इनका, और काफ़ी भारी भी था ये पैकेट, क्योंकि इतनी सारी पैकिंग की गई है, इतने बड़े बड़े प्लांट भेजे गए हैं तो भारी होना लाजमी है। छोटे प्लांट्स को पहले मैं निकाल लेता हूँ अलग से। अब दोस्तों ये निकल चुका है हमारा, अब अच्छे से आप इनको देख सकते हैं कि इधर वाला जो है ये कस्तूरी मैंगो है, और यहाँ पर जो है ये टैग पूरी तरीके से लगा हुआ मिलता है इस नर्सरी से, और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 7001320993। तो मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन पर भी ऊपर आ रहा है, तो अगर इनसे आप प्लांट मंगाना चाहते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट क्यों ना हो, वो आप यहां से मंगा सकते हैं। और ग्राफ्टेड जो प्लांट है वो यहां से आपको मिलेगा, जिसमें साल 2 साल में ही जो है फ्रूटिंग आने लगेगी। तो ये काफ़ी बड़े हाइट का ये प्लांट है, पूरा का पूरा जो है लगभग 6.5 फिट की हाइट का ये प्लांट है ज़मीन से लेकर के। तो हर तरीके के प्लांट इसके इनके पास जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इनके यहाँ बड़े प्लांट भी है, मीडियम साइज़ के प्लांट भी, और छोटे प्लांट भी है, और प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही यहाँ का रेट भी होता है। और इसके अलावा जो है ये एक प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा सा है। देखिए अभी भी जो है ये टेप जो है रैप किया हुआ है, ये जो है मियाजाकी मैंगो है। मियाजाकी मैंगो आपने बहुत ज़्यादा नाम इसका सुना होगा, बहुत जो महंगा आम होता है ये माना जाता है, और ये बिल्कुल कलरफुल आम होता है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा इसके कलर। तो मियाजाकी का ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट है, और देखिए कितने सारे यहाँ से जो ब्रांचेज है वो निकले हुए हैं। यहाँ से जो है 4 ब्रांचेज ये निकल रही हैं, और इधर से 3 ये जो है निकल रहे हैं। तो पौधा जो है काफ़ी अच्छा कुछ दिन में ये होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट है, और फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्लांट जो है मेरे पास यहाँ आए हैं। और इन प्लांट्स की जो एज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी इसको जो है लगभग 1.5 साल तो हो ही चुके हैं, जितना बड़ा मुझे प्लांट लग रहा है। तो नर्सरी में ये 1.5 साल कम से कम हो चुका है, उसके बाद आपको दिया जाता है अगर आप बड़े प्लांट मंगाना चाहते हैं, तो इसमें फ्रूटिंग भी जो है काफ़ी जल्दी आने की संभावना है। तो दोस्तों दो तो इस तरह से आपने देखा आम है, बाकी यहाँ पर जो है ये एक प्लांट है, ये छोटा है काफ़ी, और ये वाला जो है अंजीर का प्लांट है। तो पहले ही उन्होंने कहा था कि अंजीर का जो है थोड़ा सा छोटा मेरे पास है इस समय, तो अंजीर का ये प्लांट है, लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी के अंजीर है, बहुत बड़े बड़े अंजीर है इसमें। तो ये जो है प्लांट है, और ये भी जो है ग्राफ्टेड है। अगर आप छोटे से प्लांट को देखेंगे फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ से ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो जितने भी प्लांट है वो सब ग्राफ्ट है, ये इसका ग्राफ्ट है। यहाँ से जो है ये आम की ग्राफ्टिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए यहाँ से इसका ग्राफ्टिंग पोर्शन है, ये बिल्कुल अंदर से इस तरह से ग्राफ्ट किया गया है। और इस वाले में भी मैं अगर दिखाऊं, तो ये देखिए वी कट के शेप में जो ग्राफ्टिंग होती है, तो वी कट के शेप में इसमें ग्राफ्टिंग है। तो इसमें जो है कुछ भी आपका जो डोरी वगैरह या पॉलीथीन वगैरह लगा हुआ कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हट चुका है, तो काफ़ी पुराना प्लांट है ये। और इसके अलावा मैं अगर दिखाऊं इसको, तो ये जो है बेल का प्लांट है, बेल पत्र जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी का है, और 1 साल में ही जो है इसमें फ्रूटिंग आने लग जाती है। तो अभी तो खैर प्लांट काफ़ी छोटा है, लेकिन देखिए ये प्लांट भी ग्राफ्टेड है, यहाँ पर भी देखिए वी शेप में ये ग्राफ्ट है। तो इस तरह का बेल का प्लांट जो है काफ़ी फायदेमंद होता है, और पूजा के लिए जो है इनके पत्तों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग करते हैं। तो उसमें जो है हमेशा माना जाता है कि जिसमें जो है फ्रूटिंग आती हो, ऐसे वाले जो बेल के पौधे हैं तो उन्हीं के पत्तों से पूजा करनी चाहिए। तो ये चूंकि जो ये ब्रांच होते हैं ऑलरेडी इसमें फल आया हुआ प्लांट का ब्रांच जो है वही लिया जाता है, तो इसी वजह से इसमें जो है फल भी जरूर आ जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो आप इनके पत्तों का यूज़ पूजा में भी कर सकते हैं, बाकी फ्रूटिंग तो बहुत जल्दी आ ही जाती है। तो
इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और बाकी एक प्लांट जो है यहाँ पर सारे पत्ते इसके झड़े हुए अभी नज़र आ रहे हैं, तो इसको देखते हैं कौन सा है। तो ये है कश्मीरी एप्पल बेर, देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये जो है कश्मीरी एप्पल बेर बिल्कुल सेब के साइज़ का ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसी का ये प्लांट है। और इसमें से पत्ते तो सब झड़ चुके हैं, लेकिन ये जो पौधा है यहाँ से पूरा का पूरा ग्रीन है, तो बेर में झड़ना आम बात है, जल्दी जो है इसमें भी नए पत्ते आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा खोल के भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पैकिंग आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से जो है ये पैक्ड है, और कहीं से भी जो है मिट्टी इधर उधर होने का चांस नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये अच्छे भी रहते हैं, मिट्टी जब इधर उधर खुल जाती है बिखर जाती है तो ऐसे में पौधा थोड़ा सा डैमेज होने का चांस रहता है, लेकिन इस तरीके से होता है तो पौधा जो है डैमेज नहीं होता। तो पूरी तरीके से देखिए टेप से और अंदर जो है पॉलीथीन भी इस तरीके से लगा रखा है जिससे कि मिट्टी कहीं इधर उधर ना हिले। दो पैकिंग आपको खोल करके दिखाता हूँ, बाकी जो है सभी पौधे इस तरह से सही रहते हैं, इसकी पूरी गारंटी होती है। अगर आपके पास नर्सरी से ख़राब पौधा आता है या टूटा फूटा पौधा आता है या अगर आते हुए मर जाता है, तो ऐसे में जो है आपको जो भी पैसा आपने पेमेंट किया है वो दोबारा आपको मिलेगा, इस बात की पूरी श्योरिटी जो है यहाँ पर मैं भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैसे जो है आपको नर्सरी वालों को नहीं देने होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पैकेट को खोल दिया है और पूरी तरह से मिट्टी जिस तरीके से उन्होंने भेजा था वैसे ही है, और मिट्टी में अभी भी जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल बना हुआ है। तो ये जो है ऐसे ही फिलहाल जो हम इसको रख देंगे खोल खोल करके मिट्टी को, क्योंकि ऐसे जो है पैक हमें नहीं रखना है। इस तरह से अगर पैक रखेंगे तो यहाँ से जो है बिल्कुल हवा नहीं लगेगा, तो क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये बंद था तो हवा बिल्कुल नहीं लग पाई, लेकिन अब जो है इसको खोलना ज़रूरी है। इसको भी थोड़ा सा खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल मिट्टी वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल नहीं टूटा है कहीं से कहीं तक, ये इस तरीके से है। बिल्कुल सूखा हुआ मिट्टी भी नज़र आ रहा है, लेकिन हल्की नमी इसमें भी जो है बना हुआ है, तभी पौधा जो है बिल्कुल तरोताज़ा आपको नज़र आ रहा है। और एक बार जो है मैं आपको इस बड़े वाले प्लांट को खोल करके दिखाता हूँ, इनमें से एक को। देखिए दोस्तों ये वाला जो प्लांट है तो पूरी तरह से यहां से भी जो है रैप है, अभी दोबारा से भी जो है बारिश इस समय आने लगी है, कल भी काफी ज्यादा बारिश हुई थी जिस वजह से मैं इसको खोल नहीं पाया था, लेकिन आज इसको खोलना जरूरी था, क्योंकि ज्यादा देर तक जो है अंदर अगर रहेगा तो पौधा जो है धीरे धीरे फिर बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है। देखिए दोस्तों अब इसको भी मैंने खोल दिया है, और यहाँ पर देखिए इसकी हालत पौधे की बिल्कुल देखिए तरोताज़ा। अगर आप आसपास की नर्सरी से लाते हैं तो वो पौधा जिस तरीके से मिलता है, तो ये पौधा भी बिल्कुल उसी तरीके से मिला है, जबकि बहुत दूर से ये पौधा आया है, कोलकाता से जो उत्तराखंड है यहाँ तक का सफ़र इसने तय किया है, और ये जो है कोरियर से हमारे पास आया है, गाड़ियों में कई झटके भी लगे होंगे बावजूद उसके देखिए पौधा बिल्कुल सेफ तरीके से हमारे पास पहुंचा है। और इसमें देखिए नए नए जो कल्ले हैं वो भी यहाँ से आना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा पौधा आया है दोस्तों। अगर आप भी इस पौधे को मंगाना चाहते हैं या कोई भी फ्रूट प्लांट मंगाना चाहते हैं, तो ये जो नर्सरी है नर्सरी से आप बात कर सकते हैं, नर्सरी का जो नंबर है वो ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है, साथ ही जो मेरा नंबर है वो नीचे आ रहा होगा, तो ऊपर वाले नंबर पर नर्सरी का जो नंबर है उसमें बात करके जो भी प्लांट का पेमेंट वगैरह हो, प्लांट का साइज़ वगैरह हो, उसके बारे में आप पता कर लें, और जब पेमेंट की बात आए जितना पेमेंट उनको देना हो तो उनसे सीधे कहें कि पेमेंट में हमारी बगिया यूट्यूब चैनल जिनका है तो असीमानंद सर, उनको मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ और आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ। तो नीचे वाला ने जो नंबर दिया हुआ है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल का, तो वो मेरा नंबर है, इसमें आप जो है फोन पे गूगल पे या किसी भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेमेंट की पूरी सेफ्टी रहेगी, और जिस समय जो है पौधा आपके पास पहुँचेगा उसके बाद ही मैं नर्सरी वालों को पेमेंट करूँगा। तो पूरी तरह से पहले श्योर हो ले, नर्सरी वाले से बात कर ले, उसके बाद ही मुझे पेमेंट करे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप भी जो है इस तरह के फल फ्रूट के जो पौधे हैं वो
अपने घर में ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।